हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, चेहरे के ध्यान रखने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। अपने बालों को भी खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत सारे DIYs, बहुत सारे होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कभी किसी ऐसे गेट टुगेदर में जाते हैं जहां पर हमें शॉर्ट्स पहनने होते हैं या जहां पर हमें कट स्लीव्स कपड़े पहनने होते हैं, वहां पर जब हमारे अंडरआर्म्स दिखाई देते हैं या जो हमारे जो लेग्स हैं जब वो दिखाई देते हैं, और जहां पर थोड़ा सा दाग धब्बे होते हैं, कालापन होता है, अनइवन स्किन होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस के नीचे आते हैं और हमसे पूछा जाता है कि सर, प्राइवेट पार्ट्स को गोरा करने के लिए या अंडरआर्म्स की स्किन को अच्छा बनाने के लिए या स्किन के जो दूसरे हिस्से हैं, मतलब शरीर के वो हिस्से जहां पर डार्कनिंग हो जाती है, उन हिस्सों को फेयर करने के लिए या उनको इवन करने के लिए कोई DIY या कोई होम रेमेडीज बता दीजिए। सो दोस्तों, आपकी ही डिमांड पर हम इन वीडियो कंटेंट को क्रिएट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपके अंडरआर्म्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स, आपके बट्स और आपके इनर थाई एरियाज को फेयर करने के लिए, वहां की स्किन को लाइट करने के लिए एक होम रेमेडी, जिसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं कुछ महीनों तक लगातार, तो डेफिनेटली इन जगहों की स्किन पर आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई देगा। और जब भी आप ऐसे किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं या कभी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ को अगर एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको कभी भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा और आप हमेशा कॉन्फिडेंट अपने आप को फील करेंगे। सो मेक श्योर कि अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरल थेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पोस्टनेटल डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपने इंटीमेट एरियाज की, चाहे वो हम प्राइवेट पार्ट्स की बात करें, चाहे प्यूबिक पार्ट्स की बात करें, या हम बात करें अपने अंडरआर्म्स की, जब भी हम अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने की बात करते हैं, तो यहाँ पर होने वाली डार्कनिंग या यहाँ से आने वाली स्मेल हमारी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। लेकिन यहाँ पर किस तरह से इनके कलर को इवन किया जाए, जब हम उसकी बात करें, उससे पहले जरूरी है कि क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इन जगहों पर डार्कनिंग आती है, इसके बारे में बात जरूर की जानी चाहिए। तो सबसे पहला जो रीजन आता है दोस्तों, वो आता है गलत तरह से इन एरियाज के बालों को रिमूव करना। जैसे कि हम प्यूबर्टी को जाते हैं और प्यूबर्टी की तरफ जाने पर हमारे अंडरआर्म्स, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में हेयर आने लगते हैं और हम उन्हें रिमूव करने के लिए बहुत सारे हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हेयर रिमूविंग क्रीम्स जो होती हैं, वो सोडियम थायोग्लाइकोलेट नामक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स की मदद से बनाई जाती हैं, जिन केमिकल्स की वजह से हमारी स्किन के ऊपर डार्कनेस आ जाती है, हमारी स्किन काली हो जाती है। और ये कालापन और ये डार्कनेस इतना ज्यादा नीचे तक चला जाता है हमारी स्किन में कि इसको रिवर्स करना वापस नामुमकिन हो जाता है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपने अभी तक अपने अंडरआर्म्स और प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने के लिए कोई भी मेथड यूज किया हो, लेकिन अब आप आगे से इन हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको अपने हेयर रिमूव करने हैं तो आप यहां पर रेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक रेजर्स आते हैं, मेल्स के लिए स्पेशल बॉडी रेजर्स आने लगे हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर दो, अगर आप रेजर के साथ अनकंफर्टेबल हैं, आपको डर लगता है, तो आप वैक्स करा सकते हैं। वैक्स एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने इन एरिया से हेयर को रिमूव करने का। दूसरा जो रीजन होता है दोस्तों इन एरियाज में डार्कनेस आने का या जो स्मेल आने का, वो होता है यूरिक एसिड का बढ़ना। हमारे शरीर से जो पसीना निकलता है उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, और वो यूरिक एसिड जब बाहर हवा के अंदर मिलता है तो कुछ बैक्टीरियाज अपना जगह उस जगह पर बना लेते हैं, जिसकी वजह से वहां की स्किन काली भी होने लगती है और सड़न भी आने लगती है। सो बहुत जरूरी है कि आप अपने इंटीमेट एरियाज को, अपने अंडरआर्म्स को, अपने प्यूबिक पार्ट्स को आप रेगुलर बेसिस पर अच्छे किसी भी क्लेंजर से जरूर वॉश करें। अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो ये यूरिक एसिड उन एरियाज में जमने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी काली होगी और आपको वहां से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है।
तीसरा और सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है हाइजीन का ध्यान नहीं रखना। बहुत सारे लोग अपने प्यूबिक हेयर टाइम टू टाइम रिमूव नहीं करते हैं, अपने अंडरआर्म्स क्लीन नहीं करते हैं, अपने जो अंडरगार्मेंट्स होते हैं उनको समय समय पर चेंज नहीं करते हैं। सो बहुत जरूरी है कि हर 3 से 4 महीने के अंदर आप अपने अंडरगार्मेंट्स को प्लीज चेंज कर लें, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जर्म्स उन अंडरगार्मेंट्स में चिपकने लगते हैं। आप अच्छे से धोते भी हैं लेकिन फिर भी वो 100% नहीं निकलते और फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देना शुरू कर देते हैं। So make sure कि आप इन तीनों चीजों का विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं रेमेडी के ऊपर। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 ही चीजों की जरूरत है और ये तीनों चीजें आपके घर में बहुत आसानी से अवेलेबल भी हैं। आपको इसका सबसे पहले बेस लेना है। बेस बनने के लिए आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का नारियल का तेल ले सकते हैं। नारियल के तेल के अंदर स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ के साथ में नारियल के अंदर आपकी स्किन की ड्राइनेस को खत्म करने के लिए, आपकी स्किन में अगर किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसको खत्म करने की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लगभग आपको 1 से 2 टेबलस्पून नारियल का यहाँ पर तेल आपको ले लेना है। दूसरी जो चीज दोस्तों आपको डालनी है, जितना आप नारियल का तेल डाल रहे हो उसका आधा आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि खाने का मीठा सोडा इसके अंदर डाल देना है। खाने का सोडा क्या करता है, आपकी स्किन को थोड़ा सा फुलाता है और जब वो आपकी स्किन फूल जाती है तो स्किन के ऊपर जो जमा डेड सेल्स है वो बहुत इजीली आपकी स्किन से बाहर निकल जाते हैं। आपकी स्किन के ऊपर लाइटनिंग इफेक्ट आता है, आपकी स्किन के ऊपर ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है और आपकी स्किन जो है वो धीरे धीरे रिकवर करना शुरू कर देती है। नंबर 3 जो चीज दोस्तों आपको डालनी है वो है लगभग आधा चम्मच आपको इसके अंदर बेसन ऐड करना है। बेसन क्या करेगा, बेसन तेल और सोडा को एक तो बाइंडिंग कैपेबिलिटी देगा, ये अच्छे से बंध पाएंगे, ये अच्छे से एक दूसरे के साथ मिक्स हो पाएंगे। इन तीनों चीजों को मिला लीजिए और इन तीनों चीजों को मिला करके अपने उन एरियाज पर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रब कीजिए। जब आप रब कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत तेजी से नहीं घिसना है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर रैशेज आ सकते हैं, रेडनेस आ सकती है और आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है। सो बहुत जरूरी है मेक श्योर कि आप बहुत कम प्रेशर के साथ ही इन हिस्सों पर काम करें ताकि आपको किसी भी तरह की भविष्य में कोई परेशानी ना हो। 15 मिनट घिसने के बाद, अच्छे से रब करने के बाद इन एरियाज को वॉश कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी उन एरियाज की जो स्किन है वो काफी लाइटन अब आपको लगनी शुरू हो गई है। इस प्रोसेस को आपको 1 दिन छोड़कर 1 दिन मतलब कि अल्टरनेट डे करना है और इसे लगभग 3 से 6 महीने तक लगातार कीजिए। मतलब 1 दिन छोड़िए, अगले दिन कीजिए, फिर 1 दिन छोड़िए, फिर 1 दिन कीजिए। इस तरह से आपको 3 से 6 महीने तक करना है। आप देखेंगे आपके अंडरआर्म्स, आपके प्राइवेट पार्ट्स का कलर इंप्रूव हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आप बहुत अच्छे से आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसे एंजॉय कर पा रहे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो वीडियो के अंदर जानकारी दी गई आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा करके प्लीज मोटिवेशन जरूर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स तक, अपने दोस्तों तक, अपने यारों तक, ताकि उन्हें भी इस जानकारी का बेनिफिट मिले। जाते जाते एक और जानकारी दोस्तों देना चाहूंगा कि 26 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक हमने एक ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन के माध्यम से जेल मेकिंग का एक वर्कशॉप रखा है, जिसके अंदर मैं पर्सनली आपको रोजाना 2 घंटे दोपहर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक सिखाऊंगा कि किस तरह से फैक्ट्रीज के अंदर जो जेल बनाया जाता है, चाहे वो एलोवेरा जेल हो, चाहे वो कुकुम्बर जेल हो, चाहे वो क्लेंजिंग जेल हो, या वो गोल्ड या सिल्वर जेल हो, वो किस तरह से आप अपने घर में बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग DIYs करते हैं, होम रेमेडीज करते हैं और जेल बनाने के लिए बहुत परेशान होते हैं। सो मैं आपको बताऊंगा कि कमर्शियली क्या फॉर्मुलेशंस होते हैं जेल बनाने के, जिन्हें आप अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। इसको रजिस्टर करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से आप इजीली इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। इसकी फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है, जो है 2,500 रुपए। लिमिटेड सीट्स बाकी हैं, तो प्लीज आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें ताकि एंड वक्त पर आपको निराश ना होना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह से अपना प्यार हमें हमेशा तहे से देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।